राजधानी भोपाल में कश्मीरी पंडितों पर बनी बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए आज कांग्रेस नेता भी सिनेमाघर पहुंचे, मगर उन्होंने यहां सिनेमाघर के सामने 1990 की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार के साथ अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर फोटो खिंचवाई और भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर मची राजनीतिक जुबानी जंग के बीच आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने सिनेमाघर में फिल्म को देखा। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद शर्मा ने कहा कि भाजपा भ्रामक बातें फैला रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन हुआ तब कांग्रेस विपक्ष में थी, पलायन के वक्त कौन सरकार में था यह बताने के लिए वे अपने साथ दो तस्वीरें लेकर पहुंचे थे। इन तस्वीरों में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी दिख रहे हैं, तो एक अन्य फोटो में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से प्रधानमंत्री मोदी गले मिलते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सिनेमाघर के सामने फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। अरे 32 साल में से 16 साल दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी उनकी समर्थित सरकार नहीं, ये 8 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को हम उन्होंने वापिस भेजा है। मनमोहन जी की सरकार ने 4,500 मकान बना के दिए जम्मू में और सब कुछ किया, इनने क्या किया? हम तो सवाल इनसे पूछना है कि 16 साल में जो इनकी सरकारें मार रही और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ भी इनकी सरकार थी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की, तब इन्होंने क्या किया? सवाल इनसे है, जवाब हमको नहीं देना है, जवाब इनको देना है जो आज वहाँ सत्ता में है और पूरी पावर इनके पास। जवाब चाहिए, जवाब। फिल्मों से ही राजनीति का क्या परिदृश्य देखने को मिलेगा क्या? नहीं, यही तो अफसोस है कि यही चीजें इस तरह की बता के, जो अधूरा सच बता के लोगों के अंदर जिस तरह का माहौल, कटुता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको ही देखने जा रहे हैं कि आखिर है क्या। आगे 50 हैं जो आएंगे और टिकट ले लेंगे, आप भी चलो देखो। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।